आग इजी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो समटाइम हम लोगों से ना इस तरह बहुत बार हो जाता है, तो हमारी ऐसी निकल जाती है वॉइस ओवर करते वक्त, तो फिर वो हमें आज का ऐसे रहने देते हैं। ऐसे रहने देते हैं कि तमाशे ऐसे होते हैं वॉइस ओवर में, मुंह उठा के नहीं कर हो जाती। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत इंतजार था अकीके के दिन का, तो वो दिन आ गया हुआ है। और जब हम सुबह उठ के उस दिन नीचे आए हैं, लेट ही आए थे 12 बजे, तो देखा कि सारे बकरे बकरुओं का सारा सफाया हो चुका हुआ था। आंटी ने सफाई कर दी थी और इन्होंने, अम्मी ने और एक आपी आ गई थी, एक दिन पहले ही उन्होंने मिलकर सालन बना लिया था उसका, फिफरा कलेजी का सालन बना लिया था। वो हमारे एक हैरस हम वो भी बताते हैं, वो बना लिया था। और साथ में एक ये होती है कि टीका वाले दिन पंजीरी बनानी होती है, वो भी अम्मी और आपी ने मिलके रात की इसकी तैयारी कर ली हुई थी। ये सूजी की किसी तरह बनती है ड्राई पंजीरी, तो ये सब जो आए थे ना उनको फिर डाल के देनी थी। ये बॉक्स डिस्पोजेबल मंगवा लिए थे, इसमें डाल दी थी। और ये भी हम लोगों के आने से पहले, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इनमें हमारा कोई करेक्टर नहीं था, हमें सुकून था इस बार, सुकून। हाँ, तो बस फिर हमने आके नीचे अपने अपने नाश्ते किए हैं, जो कुछ मिला है। मैंने तो आई थिंक मिस्सी रोटी के साथ नान चने वाले चने खाए थे, मतलब कि इतना भी वो टाइम नहीं था कि मैं बनाती। तो ये अब हम लोग आ गए हैं पार्लर में, पार्लर में तैयार होना था। और आप लोगों को पता है कि पार्लर वाली भी अपनी है और पार्लर भी अपना है। तो हम लोग जो है ना, पार्लर वाली ने हमें डेडलाइन दी थी कि जड़ी 3 बजे तो बाद आई ना, तो उनमें तैयार नहीं करना, क्योंकि जिसका पार्लर वाली का खुद अपना फंक्शन था, तो उनको अपनी टेंशन थी कि मैंने भी फिर तैयार होकर जाना है, अगर मैं थक गई तो क्या होगा। तो हमने अपना माल मता उठाया और हम लोग निकल गए। शापर वो पहले आपको व्लॉग में तैयारी में दिखा दिया था कि हम लोग डिसाइड कर रहे थे, वो उसी तरह फिर हम लोगों ने अपने शापर उठाए दोनों ने, और हम दोनों तो टाइमो टाइम आ गई, बाकियों का हमें नहीं पता कि खाना अपना घर ही है, खाना पीना भी होगा वहां पे बैठ के खा पी लेंगे, यार क्या कोई मसला तो कुछ भी नहीं है। तो टाइम से बस पहुंच, अगले को पता हो गई मेरे पास पहुंच गई है, मैंने करना है। 3:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे, 4 बजे हम लोगों ने तैयार होना शुरू किया। ये होता है कि पार्लर अपना होता है ना, तो खुद भी हाथ पल्ला मार लेना होता है, बाल शाल जो है ना वो अपने स्ट्रेट करने थे जिसने, वो खुद कर लिए थे, जिसने क्रिम्प करने थे वो उसने खुद कर लिए, कोई और तो हाथ भी नहीं लगाने देती अगली। हाँ, इसी चीज को भी। तो यही तो फिर फायदा है ना। तो इसको यहाँ पर इसने इसको सबसे पहले मुझे 3 बजे मुझे बिठा दिया कि चलो पहले तुम तैयार हो। हाँ, ये जानबूझ के इसने पार्लर वाली बाजी को ना बातों में लगाया कि मैं जरा लेट हो जाऊं तैयार। तो फिर इसी तरह हम लोग तैयार हुए, तो हम लोगों को 4-5-6 उधर ही बच गए थे, और हमने चाय शाय भी उधर ही पी थी, और बस इतनी हो गई थी कि वो फिर चाय वाला जो पार्ट था वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये यहाँ पर हम लोग हो गए हैं तैयार, और तैयार हो क्या मतलब हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ, फिर भाभी भी आ गई, बाद में 2 आपियां और थी वो भी वहां पर आई, फिर सब कड़मास इतना मच गया था, पड़ गया। हाँ, फिर मैं वीडियो क्या ही बनाती। पार्लर वाली जो ना वो डेले निकाल रही थी, तो इससे पहले तैयार होकर निकल गए। हमने कहा कि इनकी बेइज्जतियां करती रहो, हम तो लोग जा रहे हैं, हम तो निकल आती। तो यहाँ पर हम लोग जब घर आए हैं तो हमारा बेबी भी रेडी हो चुका हुआ था, रेडी था, तैयार हो गया हुआ था। आज इसी का तो फंक्शन था, सारा इसी का तो काम था। तो फिर ये अम्मी और भाभी, ये जो एक पूर था ना, ये पहले जाना था गाड़ी में, तो इनको ये सब लोग रेडी थे तो इनको पहले निकाल दिया था, और ये खुद भी इनके साथ ही चली गई थी। पीछे मैं और शहरी सिर्फ रह गए थे, और एक आंटी हमारी जो है मेड वो रह गई थी, और दादी। तो इन्होंने बाद में आना था, मैंने कहा चलो मैं अम्मी के साथ जाके वहां पे उनको क्या मैनेज करती हूँ, मेहमान जो आ गए हुए हैं, मानो को इंग्लिश में क्या करते हैं, क्या करती हूँ, गेस्ट को रिसीव करती हूँ। हाँ, सच याद आ गया मुझे। तो अभी हम लोग उधर ही थे, मतलब मैं और शहरी घर पर ही थे, साथ में अब्दुल्ला लोग आ गए, उनकी भी 2 गाड़ियां आती हैं, तो एक गाड़ी उनकी अब्दुल्ला और फातिमा लोग आ गए थे, उनमें एक जगह थी एक बंदी की, मैं उनके साथ बैठ गई, और साथ में जो बाकी लोग भाई ने उनको बिठा लिया, और साथ में अभी हम जाने ही लगे थे कि फिर वहां पर भाई अख्तर लोगों की गाड़ी आ गई गली में, तो फिर हम लोग तीनों गाड़ियां फिर इकट्ठी निकली, और जो होटल था वो बिल्कुल ही हमारे घर के पास ही था, कोई 5 मिनट लगते हैं सिर्फ। शुक्र करो तुम लोग लेट आई हो, थोड़ा सा मैं जब गई हूँ ना तभी एसी उसी कोई नहीं चलाए हुए थे, वो उसकी भाफ ऐसी पड़ी मेरा सारा, वो किसी अपने ने जाना था उसने चलवाने थे, बहुत पसीने से बुरा हाल हो गया था, गर्मी काफी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने एसी तो तब चलाना जब सबने आना था। तो बस ये फिर जो है ये परियां सारी अंदर दाखिल हो रही हैं समेत मेरे आंखों की ठंडक। हम होटल के ये जो एंटर हुए हैं तो सारे गेस्ट जो हैं वो आ गए हुए थे, ऑलमोस्ट सिर्फ जो है ना बेबी के नान के रहते थे, ननियाल जिस जो मेन काम था वो रहते थे, बाकी ये जो फंक्शन होता है ना हमारा, इसमें मेन काम जो शरीके का होता है हमारे इधर, जो शरीक बोल शरीक तो ये ना उनके जो नान के ना उनका काके के जो नान के हैं
उनका ना रिसीव करने के लिए तैयारियां हो रही हैं, फूल पत्तियां मंगवाई थी तो आंटी कह रही चलो मैं डाल के रख देती हूँ, फिर वो आने वाले हैं। वो घर से निकल चुके हुए थे, कुछ हमारे भी गेस्ट काफ़ी ज़्यादा भी आने वाले बाकी थे, तो हम लोगों ने कहा आराम सुकून से थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। बोल तो पता ही है कि लड़कियों का जब तैयार हुई होती है तो गर्दनों में सरिये आए होते हैं तो इन्होंने बैठना तो बिल्कुल नहीं होता कुछ, वो हील की वजह से थोड़ी सी वो पर्सनैलिटी में वो टांगों में दर्द, बुरे हाल, बस फिर ये आपको पता ही है ये कौन है जनाब। हाँ भाई कौन है मौलवी साहब, ये मौलवी साहब भी हमारे अपने खानदान के बस, हाँ। हर बंदा आपको हमारे खानदान में मिल जाएगा। निकाह पढ़ाने वाले भी इधर ही हैं, सारे इधर ही हैं, बस वो नहीं लगता अलग गल बस वो नहीं है बाकी सारा कुछ बस ये फिर ये फंक्शन इस तरह का था कि मतलब के होना क्या है करना क्या है, क्योंकि अक्सर लोग नहीं ना ये इस तरह फंक्शन करते हैं, मतलब सिंपल वो कुर्बानी कर लेते हैं। तो फिर ये यहाँ पे एक टेबल लगाया जो आप लोगों को पहले तैयारी में दिखा दिया था, तो इस तरह से इसका एक पंपलेट रेडी कराया था जिसपे हकीका की सारी डिटेल लिखी हुई। अब ये इसके ऊपर नंबर लिखा आप कॉल ना करने, मैंने ब्लर कर देना हकीका सेरेमनी ऑफ मोहम्मद इजहान और उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी पिक्चर और सारा वो, और टेबल पे ये कप्स जो रेडी किए थे ग्लास ये वो है, और पीछे जो है पंजीरी के डिब्बे। तो बच्चों ने क्या काम किया, बच्चों इसके आस पास जैसे वो कहते नहीं शायद की मक्खियां, हाँ, ऐसे जरा सी हमारी नजर उधर हो तो जैन लगा हुआ कप को छेड़ने नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ बच्चे। इसी तरह फिर जो आपियां रहती थी ये हमारी पार्लर वाली वापी भी आ गई हैं एंड पे, मतलब एंड हाँ एंड ही था तकरीबन के, मतलब सब आ गए थे फिर भी टाइम से ही आ गई थी तैयार हो ना हमारे शहजादे के लिए, प्यारे प्यारे से गिफ्ट आ रहे थे, बहुत ही अच्छे, दिल खुश हो रहा था देख के। तो आप तो देखा यहाँ पे खड़े कैमरा मैन खड़े, हाँ, मैंने इशारा किया था कि भाई एक मिनट ठहर जो मुझे, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ये था कि हर मोमेंट जो था ना मैंने कोशिश की मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। ये बड़ी बाजी आ गई है, फूफो आ गई काके की, हाँ जी। तो बस इसी तरह ना जो मिलना मिलाना, अगर आप लोगों को खानदान वालों अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो नीचे बता दिया करे कौन कौन देखता है। अच्छा अब ये हकीके का ब्लॉग लेट हुआ है ना तो हमें और तरह से खबरें आ रही हैं कि कोई कह रहा है, मेरी भाभी कह रही है वो फ्ला कह रही थी आपका ब्लॉग नहीं आया, वो फ्ला कह रही थी आपका ब्लॉग नहीं आया, मतलब कमेंट में नहीं कोई भी कहता है, हाँ। क्योंकि इन तक खबर वैसे जुबानी पहुंच ही जानी है, वो लोग कहते हैं कि ये ना इनको पता चल जाए कि हम लोग भी देखते हैं, लेकिन हमें पता है जो जो देखता है ना तो और क्या हमें पता है। बाकी तो बस ये बस तैयार हैं, खड़ी हैं, बस शो है मारने के कपड़े बस पहने हो, जब लड़कियों ने पता ही है फिर आपको कहाँ बैठती हैं, ठीक है। और क्या, तो चेयर्स वैसे सारी खाली हैं और ये अपने अपने काम है। फिर इस तरह के मोमेंट्स पे ये भी होता है कि कैप्चर कर लिया जाए, कुछ रह ना जाए, ये सारी मेमोरीज ही होती हैं। और फिर बाहर वाली भाई भाभी हैं उनको भी जो है ना वो दस्ती हर चीज़ सेंड करनी होती है, मैंने तो भाई रात को तो साथ साथ सारा साथ कुछ साथ सेंड कर दिया हुआ था कि व्लॉग तो ब्लेड जाएगा तो इतना इंतजार ना कराया जाए। तो फिर जो खानदान में है वो उन्होंने तो नहीं देखा था ना बेबी को, तो वो फिर हर कोई जो जो आ रहा था वो फिर बेबी को देख रहा था और फिर बता रहा था कि बेबी किसके जैसा है। और बेबी माशाल्लाह हमारा इतने ढोल ढमके हुए हैं और उसको पता भी नहीं है कि मैंने ना जागना भी है। अच्छा तो ये जो व्लॉग है ना इतना लेंथी हो गया था, इतना लेंथी हो गया था कि मेरे मोबाइल में एक ये व्लॉग अकेला ही नहीं टिक रहा था, और वैसे भी वीडियो इतनी लंबी आप लोग कहाँ देखते हैं, तो फिर है ना इसलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में किया, हो सकता है तीन पार्ट्स में भी करूँ। तो ये यहाँ पर ढोल ढमके वाला तो नहीं है इस व्लॉग में, वो अगले में आएगा इसके दूसरे पार्ट में। तो यहाँ पर बच्चों को हमने तैयार करके खड़ा कर दिया था, खड़ा कर दिया था कि अभी वो गेस्ट आ रहे थे उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, और वो जज्बाती पहले से फेंकना शुरू हो गए थे, पता ही है बच्चों का। तो यहाँ से जी आ गए हैं, कौन आ गए, ये तो तुमने नेक्स्ट पार्ट में नहीं दिखाना नहीं, था? नहीं बस ये जहाँ पर ये लोग आ जाते हैं ना वहीं तक है, और फिर इससे आगे क्या हुआ वो फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिएगा क्या हुआ और क्या क्या इस तरह इजी रहता है ना वीडियो देखना भी। यहाँ पर अम्मी ने ना जो एक हासे वाली बात कर ली थी गाना गा दिया था, नान के आए कुछ इस तरह करके, तो सब लड़के का मामा हंस हंस के पागल हो गया भाई। तो बस थी आई होप के मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग कमेंट लाजमी करें कि आपको अच्छा लगा, करने कुरने उन्होंने फिरने हैं तो खत्म होने लगा। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।